हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नितिका है और आज हम लोग बनाने वाले झुमकी वाली नेकलेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेकलेस बनाने के लिए हमें चाहिए झुमकी, ये है कनेक्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं हॉलो कनेक्टर है ये, जिसमें कि लूप बनी हुई है। फिर हम लेंगे 3 mm की ब्लैक बीड, जंप रिंग एंड लॉक बीड, ये 3 चीज हम लेंगे। इयररिंग हुक, नेकलेस डोरी, गियर वायर, प्लायर, कटर। मैं ली हूँ 12 इंच की गियर वायर, मैं ज़्यादा लंबा नहीं ली हूँ, मैं 12 इंच की गियर वायर ली हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम 2 लॉक बीट डालेंगे, तो मैं 2 लॉक बीट गियर वायर में डाल रही हूँ। फिर गियर वायर को हम फोल्ड करके वापस लॉक बीड में डालेंगे। इस तरह फोल्ड करके लास्ट वाली जो लॉक बीड है उसमें हम इस तरह डालेंगे और छोटी सी लूप बना लेंगे। इस तरह से छोटी सी लूप बना लेंगे और प्लायर से हम लॉक बीड प्रेस कर लेंगे और जो बची हुई गियर वायर है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह। तो मैंने ये बना लिया है लॉक बीट डाल के लूप। अब हम इसमें 3 mm की बीट डालेंगे। मैं 12 बीट डाल रही हूँ, तो जल्दी से 12 बीट डाल लेते हैं। तो मैंने 12 बीट डाल लिया है। इसके बाद हम डालेंगे कनेक्टर, ये जो हॉलो वाली कनेक्टर है उसे डालेंगे जिसमें कि लूप बनी हुई है। उसके बाद हम डालेंगे 3 ब्लैक बीड, देन अगेन कनेक्टर, देन अगेन हम डालेंगे ब्लैक बीड, 3 ब्लैक बीड, देन अगेन कनेक्टर। इस तरह से हम टोटल 6 कनेक्टर डालेंगे। तो मैंने 6 कनेक्टर डाल लिया है, फिर बीच में मैंने 3 बीट्स भी डाली है। सेम हम 12 बीट्स भी इस साइड डालेंगे जैसा हम पहले डाले थे। तो मैंने 12 बीट डाल लिया है। उसके बाद हम 2 लॉक बीट डालेंगे उसमें। लॉक बीट डालने के बाद हम गियर वायर को फोल्ड करके जो लॉक बीट है उसमें हम डालेंगे। इस तरह से लॉक बीट में हम डालेंगे और इसे गियर वायर को अच्छे से हम खींच लेंगे और छोटी लूप बनाएंगे जैसा हमने पहले बनाया था। इसे अच्छे से खींच के छोटी वाली लूप बना लेंगे और लॉक बीट को हम प्लायर से प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से गियर वायर लॉक हो जाएगी और बचे हुए गियर वायर को हम कटर से कट कर लेंगे। अब जो ये कनेक्टर में लूप है उसमें हम डालेंगे झुमकी। ये जो झुमकी है उसे हम इस लूप में डालेंगे। तो हम जंप रिंग लेंगे, जंप रिंग में झुमकी को डाल के हम लूप में अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हम अटैच करेंगे। ऐसे ही हम सारे जो कनेक्टर्स में लूप हैं उसमें हम झुमकी को डालेंगे। तो सारे जो लूप्स हैं उसमें हम डाल लेते हैं जल्दी से। मैंने सारे कनेक्टर्स में झुमकी डाल दिया है। अब हम नेकलेस डोरी को अटैच करेंगे। तो गियर वायर की जो छोटी लूप है उसमें हम जंप रिंग को सबसे पहले डालेंगे। लूप में जंप रिंग को डालने के बाद हम डोरी में जो लूप है उसमें जंप रिंग को डालेंगे और अटैच कर लेंगे। सेम हम दूसरे साइड भी ऐसे ही करेंगे। जंप रिंग कुछ लूप में डालेंगे छोटी गियर वायर की लूप में, फिर हम नेकलेस डोरी की लूप में डाल के जंप रिंग को क्लोज कर देंगे। ये हमारा नेकलेस रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे इयररिंग। तो इयररिंग बनाने के लिए हम लेंगे जंप रिंग, जंप रिंग को इयररिंग हुक में डालेंगे और उसमें झुमकी को अटैच कर देंगे। बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल है बनाने में। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सेम हम दूसरा वाला भी ऐसे ही बना लेंगे। ये हमारी दोनों इयररिंग रेडी हो गई है, जो बहुत ही सिंपल थी बनाने में।
नेकलेस बनाना भी बहुत सिंपल था और ईयरिंग भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।